देख लो यही है, 5 रियल 10 रियल का इसमें सामान मिलता है। इसके अंदर अब मैं चलूँगा, देख लो ये सब कप वगैरह क्या डिजाइन डिजाइन का है। ये नमाज पढ़ने का जन्नमाज, तौलिया, छोटे रुमाल, ये छोटे छोटे बच्चों का कपड़े, सब 5-5 रियल का है। देख लो छोटे बच्चे का जैकेट। तो मामा के रूम पे आया तो अचानक से पकौड़ी बनाने का प्लानिंग बन गया, तो अपना पकौड़ी रेडी हो गया और मामा सब बैठ गए खाने के लिए। तो ये खाना दिए हैं लोग मुझे, देख सकते हो बकरे का गोश्त है और पुलाव है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सर्वेज ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों के दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं ब्लॉग का शुरुआत सुबह से शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बज रहा है शाम के 5:28 हो रहा है। मैडम को मैंने मैडम के घर पे छोड़ दिया, दिन भर का मैंने आप लोगों को रूटीन नहीं दिखाया। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बर्तन धोने वाला एक साबुन खरीदना था। तो सोचा इधर ही पास में 5 और 10 रियल वाला मार्केट है, तो उसमें से जाके देखूं, उसमें 2-3 रियल का मिल जाता है सस्ता वाला। तो चलो उस मार्केट में मैं चलता हूँ, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 5-10 रियल वाला आप लोगों को मार्केट दिखाऊंगा पूरा। तो चलो मिलते हैं सीधे मार्केट के बाहर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पार्किंग इधर पीछे लगा है मैं, ये वाला मार्केट है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ पैदल चलकर। देख लो यही है, 5 रियल 10 रियल का इसमें सामान मिलता है। इसके अंदर अब मैं चलूँगा, देखो कितने सारे सारा हर चीज़ सामान मिलता है, बर्तन कपड़ा वगैरह सब। चलो अंदर चल के देखते हैं। देख लो ये सब कप वगैरह क्या डिजाइन डिजाइन का है। ये एक कप 5 रियल 75 पैसे का। ये देखो कपे हैं, इसमें 3 पीस है 5 रियल का। ये नमाज पढ़ने का जन्नमाज, तौलिया, छोटे रुमाल, हैंकी, ये सब हैंकी वगैरह है, ये बंडी वगैरह है, ये छोटे छोटे बच्चों का कपड़े, सब 5-5 रियल का है। देख रहे हो छोटे बच्चे का जैकेट। ये बड़े लेडीज लोगों का है। ये 11.5 रियल का ये सूट, ये सारे सूट 11.5 रियल का। ये और बहुत सारा सूट है। ये देखो जीन्स, ये चप्पल वगैरह है इधर, सब 5 रियल 10 रियल का है। ये 11.5 रियल का है, देखो 11.5 रियल का ये है। देखो ये सब सेंट वगैरह सब 5 रियल का है, जितने भी सारे सेंट वगैरह है 5-5 रियल। देखो ये 5.75 पैसे का,
75 पैसा टैक्स हो जाता है, बाकी 5 रियल का ही सामान है। देख लो ये सब शैम्पू है, 9 रियल 20 पैसे का ये पेंटिंग शैम्पू है, बाकी ये वाला देखो ये 5 रियल का है, 5.75 का है, ये सब 5-5 रियल का, 10-10 रियल का है। जितने भी ये शैम्पू है, ये हैंड वॉश लाइफ बॉय का, बाकी सब जेंटो का। ये रहा अपने काम का, यही लेने आया हूँ मैं इस मार्केट में, बर्तन धोने वाला साबुन ये लूँगा, 3.45 का है, 3.45 पैसा, 3 रियल 45 पैसे का है ये देखो, तो यही वाला लूँगा अभी। पहले पूरा मार्केट दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं ये ले कर निकल जाऊँगा। खटमल मारने वाला पौधा, थर्मस वगैरह सब है, थर्मस पानी कूलर, ये पैन कढ़ाई चम्मच करछुल सब है, डस्टबिन तावा, छोटे बच्चों की कुर्सियाँ, एक कटोरिया बर्तन 11 रियल का है, 5 रियल 11 रियल, ये 5 रियल का मसाला कूटने वाला, चक्कू वगैरह सब है, देख लो ये 5 रियल के इतना सारा चक्कू, कितने हैं 12 चक्कू 5 रियल, तो यही सब है, बस इतना ही है। सब जग वगैरह सब मिलता है इधर, कपड़े जग खिलौने जो भी जरूरत के काम है। तो चलो मैं अपना सामान लेता हूँ, अब निकलता हूँ इस मार्केट से, अगर चूहे पकड़ने का जाली है, चूहे पकड़ने का जाली, तो चलो अब मार्केट से बाहर निकलते हैं अपना बर्तन धोने वाला सामान लेकर। तो लिया मैंने अपना वो बर्तन धोने वाला साबुन, मैं चलता हूँ, गाड़ी चालू करके अपना वो खड़ा है अपना गाड़ी। तो ये है 3.5 रियल काटी मेरे से, 5 पैसा ज़्यादा ही ले ली। पूरा मार्केट घुमा मैं, बस यही खरीदा मैं 3.5 रियल का एक बर्तन धोने वाला साबुन। अब चलो चलते हैं, हो सके तो इधर से इधर थोड़ा, मैं अपने मामा के रूम पे चलता हूँ, एक सामान लेना है, दिखाऊंगा अगर चलता हूँ तो। वो देखो रोड जाम कर दिए, वो पार्किंग लगा दिए उसी पे गेट के सामने ही, वो गाड़ी कैसे निकालूंगा मैं। तो निकाल लिया मैंने गाड़ी, तुम्हारा भाई हैवी ड्राइवर है, थोड़े से जगह में से भी निकाल लिया मैं। अब देखो चल रहा हूँ मैं अपने मामू के रूम पर, चलो दिखाता हूँ क्या सामान लेना है। तो आ गया मैं मामू के रूम पे, इधर मस्जिद के सामने गाड़ी खड़ा कर दिया, रूम वो है मामू का जो सफ़ेद गाड़ी खड़ा है, और अपना गाड़ी वहाँ खड़ा किया हूँ मस्जिद के सामने। तो ये रूम है मामू का, चलो अंदर चलते हैं। तो मामा के रूम पर आया तो अचानक से पकौड़ी बनाने का प्लानिंग बन गया, तो पकौड़ी बना रहे हम लोग ये बेसन।
एकदम मसाला बंद है पकौड़ी का भाई। ये देखो सऊदी के अंदर एक हाइल जगह है, हाइल में नगरा, ये नगरा और ये रूम है रियासुद्दीन अंसारी का, और उसका भागीना ये प्याजी पकौड़ी का दुकान खोल के बैठ गया। देख लो भाई ये देखो प्याजू बना रहा है भाई, आज दिल किया प्याजू खाने का तो बना रहा है, ठीक है, पता नहीं अपने अलग आइटम हिसाब से बना रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। यही है देखो दुकानदार, यही है भाई हूँ। तो पकौड़े का पहला कोटी अपना आज पे है, बन रहा, देखते हैं कैसा बनेगा। तो लगता है आराम से सुलू आँच पे बन रहा। तो ये पकौड़ी का लास्ट कोटी हो रहा है, बाकी का यहाँ पे छना कर रखा हुआ है। अब नींबू की चाय पीने जा रहा है। हाँ, नींबू का चाय बना रहे मामा, तो लाल चाय में नींबू डाल के जो बनता है वही अभी बनेगा। मैंने अपने हाथ का हुनर तो दिखा दिया पकौड़ी में, अब मामा अपने हाथ का हुनर दिखाएंगे चाय में। तो अपना पकौड़ी रेडी हो गया और मामा सब बैठ गए खाने के लिए, आप लोग भी आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। चलो मिलते हैं हम खाने के बाद। तो यही कूसा के सब्जी लेने आया था मैं, और इधर ही बैठे बैठे काट लिया, टाइम है तो उधर जाके सिर्फ बनाना होगा, पूरा काट लिया। देखो निकला कितना है? मामा डर रहे थे बहुत ज़्यादा है। तो 9:45 इधर ही हो गया, मामा बोल रहे थे कि खाना खा कर जाना है, तो खाना खाने जैसे ही बैठे हम लोग फोन आ गया कपिल का छोटा वाले लड़के का कि फार्म हाउस में आओ, तो अभी खाना छोड़ दिया, खाना जा रहा हूँ मैं फार्म हाउस में, फार्म हाउस में देखते हैं क्या काम है, उधर का काम निपटा के फिर वापस आऊँगा खाना खाने। तो फार्म हाउस पहुंच गया और फार्म हाउस का पूरा लाइट जल रहा है, इसका मतलब कोई पार्टी वगैरह है। देखो 2-3 गाड़ियां भी खड़ी है, लगता है पार्टी है, देखते हैं क्या है, आप लोगों को अपडेट दूंगा मैं, आप लोग बने रहिए। फार्म हाउस से ये खाना उठा कर ले जाना है, इसके माँ के घर पे पहुंचाना है, मैडम के घर पे। तो चलो पहुँचा कर फिर मामा के रूम पर जाऊँगा, खाना उधर ही खाना है। तो 10:40 हो रहा है, मैं आ गया कपिल के घर के बाहर, अब खाना दे देता हूँ, देखता हूँ मुझे देते हैं या नहीं खाने के लिए, फिर आप लोग को बताता हूँ। तो ये खाना दिए हैं लोग मुझे, देख सकते हो बकरे का गोश्त है और पुलाव है। मामा के रूम पे जाता हूँ, मामा को भी खिला देता हूँ, वो भी खा ले ये खाना, क्योंकि 2-3 आदमी लायक है, बहुत ही अच्छा खाना है। चलो मामा के रूम पे जाके मिलता हूँ मैं आप लोगों से। वो सुपरमार्केट से मैंने पेप्सी ले लिया, क्योंकि इस खाने पे मज़ा पेप्सी से ही आएगा। तो चलो अब जल्दी से चलता हूँ मैं मामा के रूम पे, बहुत ही दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो 11:17 हो गया, आ गया मैं मामा के रूम पे, यही है। चलो अब खा कर फिर इधर से अपने रूम पे निकलना होगा। निकालो निकालो बस, आज मामा खूब दफा के खाएंगे। सब्जी भी गर्म कर रहे हैं मामा, गोश्त पे सब्जी खाया जाता है। तो चलो दोस्तों खाना खाने आओ आप लोग भी, खाना खाने के बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो खाना हो गया, 12:45 इधर ही हो गया, बाकी का बचा हुआ खाना मैं लेके जा रहा हूँ अपने रूम पे। वो जो सब्जी मैंने काटा था वो सब्जी भी ले लिया, ये दांत में दर्द है उसके लिए थोड़ा दवाई बनाया हूँ, वो ले लिया मैं। अब चलो देखते हैं कब रूम पे मैं पहुँचता हूँ, रूम पे सीधे चल के मिलता हूँ आप लोगों को। तो 12:03 पर मैं अपने रूम पर आया, तो चलो मैं रूम के अंदर चल के वीडियो का एंडिंग करता हूँ।
तो दोस्तों आ गया मैं रूम पे, अब वीडियो के एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आप लोगों को इस रूम का, नए वाले रूम का पूरे होम टूर देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे फ्लैट का मैं होम टूर आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइए मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो यही है, इसको खमसा मार्केट अरबी में बोला जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को खमसा मार्केट कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी डाला करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। मैं इसी तरह का सऊदी का ब्लॉग आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, गुड बाय, टेक केयर एंड बात सलाम।